So, good morning, दोस्तों. मेरा नाम है भरत जैन. Can you guess in Dubai मैं कहाँ पर हूँ? जी हाँ, मैं हूँ स्काई डाइविंग करने के लिए. दैट्स ग्रेट. जो मेरा एक सपना था अभी तक का, जो सबसे बड़ा ड्रीम था एडवेंचर फील्ड के अंदर, वो था स्काई डाइविंग. और मैं यहाँ पर पहुँच चुका हूँ स्काई डाइविंग करने के लिए. पूरा प्रोसेस, पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ. तो दोस्तों, सबसे पहली बात, अगर स्काई डाइविंग करनी हो तो सबसे पहला प्रोसेस ये होता है कि अपनी खुद के अंदर वो गट्स पैदा करना कि हाँ यार, 13,000 फुट से मैं नीचे जाने वाला हूँ. तो सबसे पहले आपकी जो इमेजिनेशंस हैं या फिर आपके माइंड पावर को उस लेवल पे लेके आना पड़ता है. देन आफ्टर आपको बुक करनी पड़ेगी यहाँ पर स्काई डाइविंग. तो लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से जाके बुक कर सकते हैं. मैंने जो स्काई डाइविंग बुक करी है उसका जो कॉस्ट हुआ है वो मैं आपको बता दूँ विद वीडियो रिकॉर्डिंग. बट ऑब्वियस है कि हम लोग विदाउट वीडियो रिकॉर्डिंग तो नहीं करेंगे. तो विद वीडियो रिकॉर्डिंग अप्रॉक्सीमेट 2,500 दिराम, जो कि इंडियन करेंसी के हिसाब से होता है 52,000 अप्रॉक्सीमेट. और अगर आप बिना वीडियो रिकॉर्डिंग के करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं. तो उसके लिए 21,000 दिराम अप्रॉक्सीमेट आपको स्पेंड करना पड़ेगा स्काई डाइविंग करने के लिए दुबई के अंदर. एक तो ये है जहाँ पर हमें पाम बीच मिलता है, पाम व्यू मिलता है. और उसके साथ साथ में जो दूसरा पॉइंट है वो है अबू धाबी के अंदर, और वहाँ पर आपको डेजर्ट व्यू मिलता है. लेकिन इसका जो व्यू है वो बहुत ही ज़बरदस्त है. और जो अबू धाबी वाला है वो भी अच्छा है, वो भी सेम ही है, लेकिन वहाँ पर डेजर्ट का व्यू मिलता है. लेकिन जो अगर प्राइजेस की बात करूँ तो वो आपको पड़ेगा काफ़ी सस्ता. जी हाँ, वहाँ की जो प्राइजेस है वो डाउन है. वो करीबन ये प्राइस है जो अभी फ़िलहाल लेटेस्ट है, और ये जो प्राइजेस है वो थोड़ी सी अप डाउन होती रहती हैं सीज़न के अकॉर्डिंग. सो चलिए अब नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं कि वो क्या है. सो अंदर घुसते ही राइट साइड में यहाँ पर डिस्प्लेज हैं, आईपैड्स हैं. यहाँ पर आपको पूरा का पूरा एक वीडियो दिखाया जाएगा, प्लस फॉर्म्स हैं उसको फिलअप करना है, एंड देन आफ्टर आगे बढ़ना है. सो दोस्तों, जो यहाँ पर मेरा जो टाइम स्लॉट मिला है वो मिला है 11:15 AM का. और जो टाइम स्लॉट होता है आपको उस टाइम स्लॉट के अंदर आना है. वैसे मुझे पता नहीं था कि शायद 11:15 का है, तो मैं थोड़ा पहले पहुँच जाऊँ. अगर कुछ चीज़ें हैं तो मैं यहाँ पर देख लूँ क्या है क्या नहीं. लेकिन अगर आप 11:15 पे भी आते हैं, यानी कि आपका जो स्लॉट दिया वो उसी टाइम पर आना है, उसके बाद में आगे की प्रोसेसिंग होती है. सो रिसेप्शन ने बोले कि यू हैव टू वेट या फिर कम 11:15. दूसरी चीज़ यहाँ पर ये थी कि मेडिकल टेस्ट के बारे में बात करें तो अभी फ़िलहाल मेरा कोई मेडिकल टेस्ट नहीं लिया गया. अगर आपका वज़न जो है वो 100 से ज़्यादा है, अगर गर्ल्स के लिए अगर 90 से ज़्यादा है तो फिर प्रॉब्लम है कि वो लोग नहीं कर पाएंगे, उनका वेट का क्राइटेरिया है. उसके साथ में अगर आपकी कोई मेडिकल हिस्ट्री है तो उसके लिए फिर मेडिकल सर्टिफिकेशन लगेगा, वो कंपलसरी है. चाहे आपको शुगर हो या फिर आपको डायबिटीज़ हो या फिर आपको हाइपरटेंशन हो, बीपी हो, ऐसे कुछ भी सिम्टम्स हैं तो ये थोड़ा सा रिस्की वहाँ पर हो जाता है. जब कोई डाइवर्स अपने पैराशूट्स को लेकर आता है तो पूरा उसका प्रोसेस देखिए, कितनी सेफ्टीज होती हैं, किस तरह से वो अपने पैराशूट को पैक करते हैं. यस गाइस, तो 11:15 होने को आ रहा है, 11:10 हो गए. और अभी मैं जाता हूँ यहाँ पर, देखते हैं क्या बोलते हैं. सो 11:15 का है मेरा स्लॉट. आई थिंक ऐसा लग रहा है पहला मेरा ही स्लॉट है. भाई लोग, यहाँ पे हो गया मेरे साथ में गेम. बारिश की वजह से वेदर सही नहीं है, तो अभी सब कुछ पेंडिंग में चल रहा है. तो मुझे यही इन्फॉर्म किया गया कि आज के जो भी स्काई डाइविंग है वो अभी फ़िलहाल होल्ड पे है. वेदर अगर ओके लगेगा तो ही ये लोग कंटिन्यू करेंगे, और मुझे वेट करना पड़ेगा. अब कितना वेट करना पड़ेगा मुझे पता नहीं. अब प्रॉब्लम हो गई क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज के दिन में मुझे फिनिश करनी थी. सो दोस्तों, अभी फ़िलहाल तो मेरे पास में ये इनका बजट दे दिया है मेरे को,
और वेट करने के लिए बोला है, लेकिन प्रॉब्लम ये है यहाँ पे कि मेरी 2:30 बजे की फ्यूचर म्यूजियम है, यानी कि दोनों में से सिर्फ एक हो पाएगा और यहाँ पे मैं 1 बजे तक वेट करूँगा। अगर यहाँ पर 1 बजे के बाद में अगर शुरू हो जाता है तो फिर स्काई डाइविंग होगी, अगर इनका कैंसिल हो जाता है तो फिर फ्यूचर म्यूजियम होगा। सो बहुत बड़े धर्म संकट में डाल दिया। एक्चुअली फ्यूचर म्यूजियम देखना भी बहुत ज़रूरी था, उसके तो 2 महीने पहले टिकट बुक हो जाती है, बड़ी मुश्किल से हमने टिकट्स को अरेंज किया है और ऑल दैट, बट नहीं समझ में आ रहा यार, दिमाग ख़राब हो रहा है यहाँ पे यार, कब से आया हुआ हूँ, फिर 9 बजे से आया हुआ हूँ और ये सब चीज़ चल रही है। सो गाइज अभी गुड न्यूज़ ये है कि अभी फिर से एक स्लॉट शुरू हो रहा है और मुझे खुशी हो रही है कि मेरा नंबर कब आएगा अभी, लेकिन मॉर्निंग के 8:30 वाले भी यहाँ पर पेंडिंग में हैं, तो सबसे पहले आई थिंक उन लोगों का लेंगे, इसके बाद में मेरा 11:15 का है, तो देखता हूँ कितनी देर में मेरा नंबर आता है, लेट्स सी। सो गाइस दिस इज माय फेज है, वाइब्रेट होगा तब मुझे नीचे जाना है। सो गाइस फाइनली यहाँ पर जा रहे हैं सब लोग, स्टार्ट हो गया है, होपफुली इनका हो जाए फिर हमारा भी नंबर लगे। So these are the such trainings. Here is my number, Bharat Jain, B2B 240FC 6. So guys, अभी मेरा नंबर आ गया है यहाँ पर, काफ़ी वक्त इंतज़ार करने के बाद में अभी मुझे अपने जितने भी बैगेज हैं सभी कुछ यहाँ पे रख देना है, एंड देन आफ्टर जो भी रिकॉर्डिंग्स होगी वो यहाँ से होगी। तो चलिए लेट्स मिलते हैं डाइविंग में। Welcome to Skydive Dubai. How are you, brother? First class. Thank you very much for asking. You met your instructor. You understand everything? Yep. Excellent. Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for. All is said and done. Oh. I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Tell me about your jump. Superb experience. What was the best part? At the door, huh? Like this. Nice work, man. And this one. And this one. Superb. Guys, बहुत ही superb experience रहा मेरा. मतलब can't imagine कि ये क्या था और कैसे था. Life में एक बार skydiving जरूर होना चाहिए. सो गाइज अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, और इसी तरह के बहुत सारे एडवेंचर्स के लिए, एडवेंचर्स वीडियोस के लिए मुझे फॉलो कर लेना। सो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर कुछ नई टाइप की टेक्नोलॉजीज के साथ में, या फिर नई टाइप की ट्रैवलिंग के साथ में, एडवेंचर्स के साथ में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।